today we are in Bangalore, and if you are planning to come here, then you should definitely make plans for Nandi Hill, especially to see the sunrise. You know, I heard that you can see a breathtaking sunrise from Nandi Hill. You know, like you are standing on the clouds and watching sun rising through these clouds and mountains. गाइस अभी हम नंदी हिल पर आ गए हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। अभी हम ऊपर जाएंगे ऊपर। गाइस अगर आपको यहाँ पे सनराइज़ देखना हो तो ऑलमोस्ट 6 o'clock तक यहाँ पे पहुँचना ही पड़ेगा, नहीं तो नो सनराइज़। वहाँ पे टिकट्स चेक करेंगे शायद, वहाँ पे जाएंगे। बहुत ही ठंड है गाइस। सो गाइस यहाँ पे टिकट चेक करते हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स अंदर लेके नहीं जाने देते हैं। सो पहले हम यहाँ पे एक टेंपल भी है वो देखेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। हमने प्लान किया था कि सनराइज़ यहीं पे देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर हो गई हमें होटल से निकलने में, इसीलिए सनराइज़ तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे अभी घूमेंगे। ये रहा व्यू फ्रॉम नंदी हिल। ऊपर और भी है एक व्यू पॉइंट है, वो एक्चुअली मेन पॉइंट रहेगा, वहाँ पे अभी जाने वाले हैं। माउंटेन्स और फॉग देखिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। So here we decided to take the route which was going through the woods, and trust me, that was the best decision that we made. And let me tell you that there were different types of trees and each were having nice and vibrant flowers. और जब भी हवा का झोंका आता था तब ये फूल गिरने लगते थे, और trust me, it was so beautiful. टेल यू दैट इन रास्तों में कुछ तो ऐसी बात थी जो मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता।
और पूरे रास्ते भर तो फूल बिखरे हुए थे, जैसे कोई हमारा स्वागत कर रहा था। दूर दूर तक बस ये हरे भरे पेड़ और फूलों से भरा रास्ता दिखाई दे रहा था, और बस पंछियों की और पत्तों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कुछ कह रहे हैं। गाइस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोन है। आई थिंक बारिश में इस पे वाटरफॉल जैसा होता होगा। फोटो खींचने के लिए अच्छी प्लेस है ये। ये रही, अभी हमें उस तरफ आगे जाना होगा, उस तरफ। यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी है ऊपर, और इस तरफ हम मेन व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे टीपू सुल्तान का पैलेस है, दिखाता हूँ ये वाला। बगीचा भी है यहाँ पे। अभी हम आगे जाएंगे, जहाँ पे सनराइज दिखता है वहाँ पे जाएंगे। गाइस, अभी हम सनराइज व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। ये मेन व्यू पॉइंट है यहाँ का। सो यहाँ पे सुबह बहुत ही क्लाउड्स आते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सनराइज का व्यू मिलता है, लेकिन हमें आज देर हो गई इसलिए हमें मिला नहीं। ये रहा व्यू। Thank you.
सो गाइस ये रहा यहाँ पे और एक व्यू पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये देखिए। सो गाइस अभी हम उस पॉइंट से आ गए, वहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, मीन्स वहाँ पे खड़ा भी रहने के लिए मिलता है वहाँ पे, और बहुत ही अच्छे पिक्चर्स आते हैं, हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए वहाँ पे। अभी हम उस पॉइंट पे जाकर आ गए, अभी यहाँ पे यहाँ से दिखेगा नहीं, तो अभी आगे भी जा रहे हैं, आगे देखते हैं कैसा अलग डिफरेंट व्यू पॉइंट है। तो उस व्यू पॉइंट से जस्ट वो व्यू दिखता है क्योंकि इस पहाड़ के पत्थर बीच में आ जाते हैं। सो अभी हम यहाँ पे जाके देखेंगे कि आगे और कौन सा अच्छा व्यू है। तो ये रास्ता जो है वो डायरेक्टली पार्किंग की तरफ जा रहा है, सो हम इस तरफ नहीं जाएंगे और उस तरफ ही जाएंगे क्योंकि आगे फ़ोटो भी खींचनी है हमें, और जगह देखी है हमने फ़ोटोज़ खींचने के लिए। सो यहाँ से इतना ही व्यू आता है। Hey buddy, what's there? Where? Just see there. Oh, there. There's nothing. Just come with me, I'll show you some better places. गाइस ये रहा और एक व्यू पॉइंट, और वहाँ पे एक मंदिर भी था, एक नहीं एक्चुअली चार मंदिर थे वहाँ पे। आई थिंक उस तरफ एग्जिट रहेगा। यहाँ पे सुबह बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा सनराइज़ का, क्योंकि अभी जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सुबह तो यहाँ पे क्लाउड्स और फॉग छा जाएगा, तो उससे और भी अच्छा लगेगा ये व्यू पॉइंट। सो अगर आपको ये देखना है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5:30 टू 6 ओ क्लॉक, या मोस्टली 6 ओ क्लॉक आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद सनराइज़ हो जाता है और आपको कुछ ज़्यादा अच्छा व्यू पॉइंट दिखेगा नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 10:30 नाउ और धूप बहुत ही ज़्यादा आ गई है, लेकिन ठंडी हवा आ रही है। सो वो रहे मंदिर पूरा एक, वो दूसरा वाला और वो एक आगे भी है। सो गाइस ये रहा नंदी हिल, अभी हम हमारे होटल में फिर से जाएंगे और फिर बाद में जस्ट बेंगलोर में घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और शाम को ट्रेन से हैदराबाद। सो
so now we are going to Hyderabad and we'll try to cover most of the places in Hyderabad. So stay tuned for that one. And if you like this video, then do give that like button and subscribe to my channel for future updates. And don't forget to hit that bell icon because that's really important. You can also follow me on my Instagram page. I update my Insta page whenever I visit any places. So you guys will know which video will be coming next on YouTube. So with that said, I'll see you next time. Till then, take care and Dev Bare Karu.